Hello children, welcome to my channel. Today I am going to discuss rational number on number line. मतलब number line पे कैसे हम लोग rational number को put करते हैं या find out करते हैं. तो इसके पहले मैंने previous video में बताया था what is rational number. Rational number क्या होते हैं. अगर आप लोगों ने वो video नहीं दिया है तो ऊपर I button पे click करेंगे तो वो video आप देख सकते हैं या description में भी जाके इसका link देख सकते हैं. तो एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ. रेशनल नंबर एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू. कोई भी नंबर हो जिसको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. जहां पी और क्यू इंटीजर्स हो और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो. क्यू कभी भी यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो. दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर. सो लेट्स स्टार्ट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. तो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करने से पहले सबसे पहले हमारे पास दो पॉइंट्स हो सकते हैं. या तो न्यूमिनेटर क्या होगा ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा. न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा. या फिर दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या हो सकता है कि न्यूमिरेटर लेस देन डिनोमिनेटर. ये दो केस हमारे पास हो सकते हैं. तो अगर न्यूमिरेटर लेस देन होता है अगर डिनोमिनेटर, अगर मानते हैं हमारे पास ऊपर नंबर है थ्री और डिनोमिनेटर है हमारे पास फाइव, तो इस कंडीशन में ऑलवेज ये याद रखिएगा कि आपका नंबर कभी भी नंबर लाइन पे जीरो और वन के बीच में होगा. कोई भी केस हो अगर न्यूमिरेटर ऑलवेज अगर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो ये नंबर कभी भी या तो ये पॉजिटिव नंबर हो या निगेटिव नंबर, किसी भी कंडीशन में ये हमेशा जाएंगे. या तो पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव साइड जाएंगे और अगर निगेटिव होंगे तो निगेटिव आएंगे. लेकिन ये हमेशा जब भी नंबर आएंगे तो जीरो एंड वन के बीच में ही आएंगे. ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट सी थ्री बाई फाइव. थ्री बाई फाइव के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो डिनोमिनेटर है ऑलवेज इस तो ये इस ब्लॉक में आएगा. इस ब्लॉक को हम हमेशा क्या करेंगे, जितने भी नंबर हमारे डिनोमिनेटर में होगा उसको उतने पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. जैसे फाइव है तो इसको हम लोग फाइव पार्ट में डिवाइड करेंगे. वन टू थ्री एंड फोर, ये हो गया हमारा वन टू थ्री फोर एंड फाइव. तो ये नंबर कहाँ पे पुट होगा हमारा, तो थ्री वन टू एंड थ्री यहाँ पे इस नंबर पे ये आपका थ्री बाई फाइव यहाँ पे इस नंबर पे हम लोग इसको शो करेंगे. अगर ये माइनस थ्री बाई फाइव होता, अगर ये नंबर माइनस थ्री बाई फाइव तो इसको हम लोग कहाँ पुट करते, तो इसके लिए हम लोग निगेटिव नंबर साइड आएंगे. सेम इसको भी फाइव पार्ट में डिवाइड करेंगे. वन टू थ्री फोर एंड फाइव हो गए. अब इसको हम लोग कहाँ करेंगे, वन टू एंड थ्री हियर थ्री बाई फाइव ये नंबर यहाँ पुट होगा. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं माइनस सेवन बाई नाइन. तो माइनस सेवन बाई नाइन के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, ये भी आपका हमारा क्या आएगा, इन दोनों के बीच में होगा. तो इसके लिए सिंपल नंबर लाइन बनाते हैं जीरो वन टू वन एंड टू. इसका भी न्यूमिनेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये नंबर भी कहाँ होगा, जीरो और वन के बीच में होगा. तो नीचे हमारा डिनोमिनेटर कितना है नाइन, तो इसको नाइन पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट एंड नाइन, ये हमारा नाइन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेवन बाई नाइन है ये, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन यहाँ पे हमारा फाइंड आउट होगा माइनस सेवन बाई नाइन. ये हमेशा जो नंबर जो हम लोग न्यूमिरेटर वाला काउंट करते हैं वो ऑलवेज आप जीरो के साइड से स्टार्ट करेंगे, कभी भी वन के साइड से स्टार्ट नहीं करेंगे, नहीं तो आपका प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, अगर इसको हमको पॉजिटिव अगर करना हो तो पॉजिटिव सेवन बाई नाइन, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम इस साइड में पॉजिटिव नंबर की तरफ आते हैं, नाइन पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, सिंपल सेवन काउंट करेंगे यहां से. वन
टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन. यहाँ क्या होगा आपको, यहाँ पे ये हमारा प्लस सेवन बाई नाइन, यहाँ पे हम लोग इसको मार्क कर सकते हैं. यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. तो नेक्स्ट हम लोग दूसरा केस देख लेते हैं कि अगर हमारा न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में. जैसे एक नंबर ले लिए 17/5, तो इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. आप लोगों को पता होगा मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल 17 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 3 15, ये 2 आया. इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, 3 2/5. अब हम लोग को क्या करना है, ये जो 3 हमारा होल नंबर में आ गया तो नंबर लाइन पे ये हमेशा जाएगा, 3 से आगे ही जाएगा, ये नंबर 3 के पहले कभी नहीं होगा. इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि जो भी हमारा यहाँ होल नंबर पे जो नंबर आएगा, आपका नेक्स्ट जो नंबर होगा वो उसके 3 के आगे ही नंबर लाइन में शो करेगा. तो 3 के बाद हम लोग को क्या करना है, फिर इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, 1 2 3 4 एंड 5. 2 है तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा 17/5. सेम अगर ये माइनस नंबर में होता, -17/5, तो इसको सिंपल हम लोग 3 के आगे लेकर आते, 1 2 3 4 अगेन, और ये हमारा 1 और 2, यहाँ हमारा शो करता 17/5. लेट सी अनदर एग्जाम्पल. अगर इसको करना हो तो क्या करेंगे, सिंपल 6 को मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, 4 1 4 2. इसको लिखेंगे कैसे, 1 2/4. इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल ये हमारा होल नंबर है तो ये हमारा नंबर कहाँ जाएगा, 1 के आगे जाएगा. कभी भी जो होगा होल नंबर होगा, होल नंबर से आगे हमारा नंबर जाएगा, तो 1 1 के आगे जाएगा. तो यहाँ हमको कितना, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, 1 2 3 एंड 4 एंड 1 एंड 2 हियर. यहाँ हम लोग क्या मार्क करेंगे, 6/4 ये करेंगे. अगर ये माइनस साइन में होता, -6/4, तो सिंपल हम लोग यही करते हैं, 1 के आगे 1 2 3 एंड 4, 2/4, 1 एंड 2, यहाँ ये आपका शो करता 6/4, -6/4. इतना तो समझ में आ गया होगा. एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ. जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी जैसे नंबर ये है 6/-4 है, तो इसके को आप कैसे शो करेंगे नंबर लाइन पे, या ऐसे इसको आगे कैसे बनाएंगे आगे मैथ्स में भी. तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डिनोमिनेटर अगर आपका माइनस में हो यानी निगेटिव नंबर हो, तो इसको सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करते हैं. तो पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 एंड -1. इस नंबर से इसको ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग -1 और -1 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये नंबर हमारा आ जाएगा -6/-++4. सबसे पहले इसको निगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग तब नंबर लाइन पे उस नंबर को शो करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा माइंड में रखिएगा. कभी भी अगर डिनोमिनेटर को चेंज करना हो, निगेटिव से पॉजिटिव करना हो, तो सिंपल -1 से उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका पॉजिटिव नंबर आ जाएगा. इसके बाद आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं. तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ गए मैं आ गई हो. अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय.